फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जीनी। तो चलो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं स्पाइस कंपनी के एक नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है स्पाइस F311। ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड ये कंपनी का फर्स्ट एवर एंड्रॉयड गो स्मार्टफोन है। तो जैसे कि एंड्रॉयड गो स्मार्टफोन है, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक बजटेड स्मार्टफोन है। एंड इसके अलावा इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि इसमें फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है एंड साथ में मार्केट के करंट ट्रेंड्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन के रेयर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पाइस F311 के बारे में। बट फ्रेंड्स, उसके पहले इफ नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पाइस F311 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड फिर बात करेंगे उसके प्राइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम स्क्रीन साइज के बारे में बात करें, तो ये स्मार्टफोन में 5.4 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद IPS फुल लेमिनेशन डिस्प्ले। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन का स्क्रीन रेजोल्यूशन है 480 पिक्सल्स इंटू 960 पिक्सल्स का। एंड ये स्मार्टफोन को भी टॉलर लुक दिया गया है, इसकी वजह से इसका एस्पेक्ट रेशियो है 18:9 का। तो प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो स्पाइस F311 में 1.1 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है विद MediaTek चिपसेट। एंड इसके अलावा रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें, तो ये स्मार्टफोन में केवल 1 GB रैम दिया गया है विद 16 GB ऑफ इंटरनल मेमोरी, जिसको आप डेफिनेटली मेमोरी कार्ड से 32 GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। एंड अगर OS के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड गो स्मार्टफोन है, बट इट विल रन ऑन लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑडियो 8.1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरा सेंसर्स के बारे में। तो स्पाइस F311 का प्राइमरी कैमरा यानी कि रेयर कैमरा है केवल 5 MP का विथ LED फ्लैश। एंड इसके अलावा इसमें अपर्चर है F2.0 का, बट हालांकि ये रेयर पैनल में कोई OIS फीचर नहीं इंक्लूड किया गया है। तो अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें, तो स्पाइस F311 का सेल्फी कैमरा भी 5 MP का है एंड उसमें भी LED फ्लैश दिया गया है। एंड ये दोनों कैमराज के सेंसर्स में ऑटोफोकस लेंस भी इंक्लूड किया गया है। तब बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो स्पाइस F311 में 2400 mAh की बैटरी दी गई है एंड ये स्मार्टफोन डुअल नैनो सिम सपोर्ट करेगा। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल रहेगा, जो कि है ब्लैक, रोज गोल्ड एंड फैंटम रेड। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइस F311 के कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में। तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन 4G वॉइस ओवर LTE तो सपोर्ट करेगा ही। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में वाईफाई 802.11 AC बैंड दिया गया है, वाईफाई हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया गया है, साथ में इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है, GPS है, AGPS है, माइक्रो USB टाइप 2.0 भी दिया गया है। एंड अब सेंसर्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्मार्टफोन के रेयर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर तो अवेलेबल है ही। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में एम्बिएंट लाइट सेंसर भी है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है एंड एक्सेलेरोमीटर भी इंक्लूड किया गया है। तो ये थी बात स्पाइस F311 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। एंड अगर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली स्मार्टफोन एक बजटेड स्मार्टफोन है एंड इसका इंडियन मार्केट में प्राइस सेट किया गया है एट ₹5599, विच इज़ ऑलमोस्ट 5600। अगर हम इसी प्राइस रेंज को देखें, तो डेफिनेटली एंड्रॉयड गो स्मार्टफोन एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता है माइक्रोमैक्स के अभी लॉन्च किए गए एक नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि था माइक्रोमैक्स भारत गो। एंड इसके अलावा नोकिया 1 या लावा के डिफरेंट स्मार्टफोन्स जो भी एंड्रॉयड गो पे रन कर सकते हैं, उसके लिए एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है बिकॉज इसका प्राइस रेंज काफी लो है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात स्पाइस के नए स्मार्टफोन के बारे में, स्पाइस F311। एंड अब अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, उसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जीनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।